नमस्कार, मैं हूं पायल सिन्हा, एक हर्बल एक्सपर्ट। लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि इस साल विवो चॉइस के हिसाब से जिस विषय पे ज़्यादा मेजॉरिटी होगी और जिस टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो चेक किया गया, सर्वे किया गया, तो मेजॉरिटी की जो राय थी उसमें ज़्यादातर लोगों ने बोला कि स्किन के लिए बनाइए। पिगमेंटेशन इज़ द मेन थिंग। झाइयाँ, डिस्कलरेशन, स्पॉट्स होना, पैची स्किन होना, लूज स्किन होना, अंडर आइज होना, फाइन लाइंस होना, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने आप लोगों के लिए इस तरह से सोच करके प्लान किया कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आप अपने से बिना किसी और से कहे हुए अपने ही किचन के आसपास अपने सराउंडिंग से चीज़ें ला करके अपना ट्रीटमेंट करें और फील करें कि क्या होता है इससे। तो उसमें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करी उसका जो हम अपने क्लिनिक पे करते हैं उसी का हमने सब्स्टिट्यूट आपको ट्राई किया है कि वो चीज़ों में आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो कि ये लगाएं कि ना लगाएं। सारी चीज़ें आपके पास हैं, लगाना कैसे है, करना कैसे, कितने दिन करना है और बिल्कुल बिंदास करना है, कोई तरह का डर नहीं है। और मल्टीपर्पज़ यानी कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, पैची स्किन, नॉर्मल स्किन, हर स्किन के लिए सही है। मन में कोई डाउट मत लाइएगा कि कौन लगाए कौन ना लगाए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मिल के आएंगी इसका जो मिक्सचर है वो एकदम मल्टीपर्पज़ है, वो आपको हर तरह से फ़ायदा देगा। बस आपकी सिंसियरिटी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और 21 दिन आप करके देखिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें और डेली करें। तो इस ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए सबसे पहले ये है पपीता, जिसमें थोड़ी सी देसी गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई हैं। ये है मामरागिरी बादाम, ये एलोवेरा फ्रेश पल्प, ट्यूब वाला नहीं है, ये पत्ते से बीज का मटेरियल निकाल करके उसको मिक्सी में पीसा हुआ है। यह है चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर, और ये है कच्चे आलू का पेस्ट। ये है पायल हर्बल फेस पैक। अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं तो इसके बदले में आप इस मुल्तानी मिट्टी और चंदन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है बादाम, जिसको हमने ऐसे घिसा है, कच्चा, बिना भिगोए घिसते हैं इसको ऐसे करके। ये है कॉटन और ये है पूरी आपकी एक फ्रूट ट्रे। ये हमने 4 स्पून करीब दूध लिया और इसमें हमने डाला ये नींबू का रस। ये देखिए, ये दूध और नींबू था जिसको हमने पूरे फेस पे लगाया ऐसे करके। देखिए स्किन में सूखता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ये हमारे पूरे फेस पे लग गई है एंड थोड़ा थोड़ा चिपक सी भी गई है। अब सिंपल 2 फिंगर्स से वेरी जेंटल मसाज लाइक दिस। ये आपकी मसाज हो रही है ओनली विथ फिंगर्स, दिस इज द मेन रूल। एंड इसके बाद हमने रॉ कॉटन से कॉटन पे हल्का सा रोज़ वाटर डाला, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा है। और इस कॉटन से हमने अपने फेस को अच्छे से एक बार तो हमने क्लींजिंग कर ली। और हमने अपने फेस को देखिए आपके सामने अच्छे से टैपिंग। हम हमेशा कहते हैं ना, फेस को कस के मत पूछिएगा, हम खुद भी नहीं पूछते। देखिए आपके सामने ऐसे किया और हटा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो ट्रीटमेंट है, फ्रूट ट्रीटमेंट, जिससे सारे फ्रिकल्स, डार्क स्किन, लूज स्किन, डिसकलरेशन, एवरीथिंग, आप इसको कोई भी शब्द दे दीजिए, उस सबका जो सोल्यूशन है एक हर्बल ब्लीच। इस आलू को आपने अपने फेस पे चिपकाने की कोशिश करी ऐसे करके, लाइक दिस। आंखों के नीचे भी लगेगा, पूरे फेस पे लगेगा, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली, हल्की। आइस के नीचे इसको 2-3 बार ऐसे ज़रूर फेरा लगाइएगा, इससे आंखों के नीचे का जो कालापन होता है वो भी कम होता है। सी लाइक दिस रबिंग चल रही है पूरा प्रॉपर एंड ऐसे करके 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने अपने 5 मिनट्स के बाद ये पूरा आलू साइड में रख दिया एंड अगेन आई वॉश माई फेस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, पपाया विद एलोवेरा एंड गुलाब की पत्तियाँ। सी लाइक दिस आपने इस तरह से इस पल्प को ऐसे चिपका दिया, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मैसी है तो हम इस तरह से आपको इसलिए दिखा रहे हैं ये इमेजिन करके कि हर पर्सन अपने आप कर सके। अब देखिए ये पपीता, एलोवेरा और गुलाब की पत्तियां थी और कुछ खास चीज़ नहीं थी, ये मिक्स होके मेरे फेस पे लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी जा रहे हैं मसाज करने, जो फिंगर से करनी है। आइए बस जेंटल मसाज विद गुड फीलिंग, फिंगर से आपने ऐसे ऐसे किया और आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये पल्प सेट होके स्किन के अंदर जाने लगा है। और ये तब तक आप मसाज करते रहेंगे, हम आपको यहाँ पे 5 मिनट्स में ख़त्म कर रहे हैं, पर आपका काम है जब ये आपको लगे कि इट्स ऑलमोस्ट ड्राई, कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो हम जा रहे हैं इसको वॉश करने। सब चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट वे में बता रहे हैं कि आप घर में कर सकें, तब तो कुछ फ़ायदा होगा। देखिए ये हट चुका है, ये मामरा गिरी बादाम है, इसको ऐसे घिसते हैं। हम आपको एक बादाम घिस के दिखा रहे हैं, पर आप कम से कम अपने फेस के लिए 5 बादाम या 4 बादाम तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब हम इसको लेकर के हमने हल्का सा चंदन की लकड़ी लेकर के इसको भिगोया और चंदन की लकड़ी से एक बार थोड़ा सा चंदन भी इस पर घिस दिया। ड्राई फ्रूट्स यानी कि ये जो मामरा गिरी बादाम है मेन, इसको आप आइस के नीचे ऐसे लगा दीजिएगा। हर चीज़ फिंगर से चल रही है, इतना ध्यान रखिएगा। इट्स वेरी कूल एंड कंफर्टेबल, इसमें कोई तरह का झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्योर चीज़ें हैं, बस आपको कोई डर भी नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा तब भी कोई डर नहीं है। अब इसको लगा दिया, अब हमने हाथ में थोड़ा सा लिया रोज़ वाटर एंड देखिए ये 3 फिंगर्स आप ऊपर कर रहे हैं और आप खुद चेक कीजिए, ये लाइन होती है, इसको आप इधर कीजिए, इसको आप इधर कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए एंड सेम इधर करना है, इसको ऐसे करना है, देन अंडर आइज लेकर के यहाँ टक कर दीजिए। अब आए हम आगरा चक्र पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये हिस्सा एकदम लूज हो जाता है, नीचे आने लगता है, आपको देखते ही लगता है। अगर आपने केयर नहीं की, एक टाइम पे आता है ये सब नीचे आ जाता है, आपको उठा करके देखना पड़ेगा। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप इस हिस्से को बीच की उंगली से ऊपर कीजिए, आगरा चक्र से ऊपर कीजिए और इस हड्डी को ऊपर की तरफ लीजिए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर ऐसे किया। ये एक आइस पे 5 मिनट करना है, यानी कि टोटल 10 मिनट्स की हो गई और फिर ऐसे लेकर के आ गए, राइट। ये स्टेप करिए फाइलिंग का एंड पूरे फेस पे आ गए और एक बार पूरा फेस से कहिए चलो ऊपर हो जाओ टाइट एकदम। तो ये करने के लिए आपको ये स्टेप करना पड़ेगा 10-10 टाइम्स पूरा ऐसे लेकर के यहाँ पे। और ये जो डबल चिन हो जाती है इसके लिए आपने ये वाइब्रेशन दिया, पूरा टाइट प्रेशर है सब में, और हिलाते 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 यहाँ पे आपने टक कर दिया, राइट। जिस पपाया और एलोवेरा से आपने अपने फेस की पल्प मसाज किया था, वो जो पल्प बच गया, ध्यान से देखिएगा सेम वही पल्प है, कुछ और नहीं है, उसी बचे हुए पल्प को हमने मिला दिया। ये मेरा पायल हर्बल फेस पैक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको खरीदें और तभी लगाएं, उसका सब्स्टिट्यूट ये है मुल्तानी मिट्टी और प्योर चंदन, उसकी जगह आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको वही इफ़ेक्ट मिलेगा। और आप लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ये देखिए नाउ इट्स रेडी। अपने हाथों से इस पैक को लगाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ में। अब हम ये पैक लगा रहे हैं और हाथों से ये पैक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कोई पतला पैक नहीं होता है, ये बिल्कुल थिक पैक लगाया जाता है, तभी इसका असर अच्छा आता है। अब हमने इसको फोरहेड पे लगाया और बस इसको आईब्रोज के ऊपर नहीं लगाना है, साइड में लगाया। इसको करीब 15 to 20 मिनट्स देने हैं। देखिए अब ये फेस पैक के समय बोलते तो नहीं है, लेकिन हमें आपको बताना इसलिए बोल रहे हैं, फेस पैक सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, पर बहुत ड्राई नहीं हुआ है, वेरी स्लाइटली मतलब सेटल हो गया है। बस इस पैक को डायरेक्ट वॉश नहीं करते हैं, इसकी पहले मसाज करते हैं लाइक दिस। डोंट वॉश इट डायरेक्टली, जस्ट little bit massage like this। फिर हमने पानी लिया एंड लाइक दिस। देखिए हम इससे मसाज करते जा रहे हैं, पैड को धो नहीं रहे हैं प्रॉपर। देखिए प्रॉपर हाथ इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा था, तो आराम से मसाज हो रही है। इसको डायरेक्ट वॉश नहीं करना है क्योंकि इसको जैसे जैसे आप मसाज करेंगे वैसे वैसे आपकी स्किन में हर तरह का फ़ायदा होने लगेगा फॉर श्योर। अब हम अपने फेस को पूरी तरह से धो लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस समय स्किन में हर चीज़ों को माइन्यूटली वॉच कीजिए और लास्ट में आपने अपने फेस पे तो देखा आपने, ये था हर्बल ट्रीटमेंट स्किन का सब तरह की समस्याओं के लिए, यानी कि डिस्कलरेशन, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, लूज स्किन, किसी भी शब्द को आप दे सकते हैं। इसमें स्किन की कोई भी प्रॉब्लम का एक ये सॉल्यूशन था। और एकदम इसको माइन्यूटली वॉच कीजिएगा कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें कोई साधारण चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ें जो कमाल कर सकती हैं, बस आपके एफर्ट्स के ऊपर है। क्या एक्सपीरियंस रहा इसका, बिल्कुल बिंदास एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर कीजिएगा और ये प्यार, ये सहयोग बनाए रखिएगा।